अपने मायावती जी तो बड़ी लीडर हैं, अपना पत्ता नहीं खोल रही हैं। इन लास्ट मुझे ईडी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, सबसे बड़ा कारण ये है हमें जो लगता है। मायावती का, मायावती ठीक है, मायावती अकेले लड़ रही हूँ, वो अकेले ही लड़ेंगी, वो किसी के साथ नहीं, वो जा करके देख चुकी हैं। नमस्कार, तरुण नित में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है कि मायावती, आप सोचेंगे कैसा मायावती, मायावती की जो बसपा है आखिर उसका क्या होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत है मायावती के पास। उन्होंने खुद कहा है कि वो किसी गठबंधन के संग नहीं जाएंगे, नहीं वो इंडिया गठबंधन जो कि राहुल गांधी का मान सकते हैं आप, उसमें नहीं एनडीए जो मोदी जी का गठबंधन, वो किसी में नहीं जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, क्या लगता है कि सामने वो देखने को मिलेगा ये कुछ सीटें लेके जा पाएंगी, मजबूती से आ पाएंगी, जिसको कहते हैं मजबूत हो पाएंगी, इसी बात करें, क्योंकि एक ज़माने में मायावती यूपी में बड़ी मजबूत रही हैं, अब क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों से आज इसी पे बात करेंगे। चलिए ये बताइए, मायावती जी की पार्टी बसपा का क्या होगा लोकसभा चुनाव में, वो तो कॉन्फिडेंस है उनको, अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, मायावती जी तो बड़ी लीडर हैं, अपना पत्ता नहीं खोल रही हैं। इन लास्ट मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की तरफ ही जाएंगी। तो और दूसरी बात, अगर नहीं जाएंगी तो इस चुनाव में वैसे भी बहुत भविष्य गड़बड़ दिख रहा है। हाँ, गड़बड़ ही कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर है, उन्होंने कहा मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जो है चुनाव लड़ने के लिए तो हम भी लड़ेंगे, भी लड़ेंगे, सभी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जो जो मेजॉरिटी चाहिए अब वो है नहीं। हाँ, लेकिन उनके पास जो जनाधार है, वो जनाधार अगर इंडिया अलायंस की तरफ आता है तो उससे बीजेपी जिस तरीके से वो कर रही है उसको रोका जाएगा। वैसे तो बीजेपी जो है चुनाव संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ रही है, बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव एक एक मैच फिक्सिंग है, मैच सट्टेबाजी कर रही है, ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, सबके साथ अलायंस कर लिया है, और बड़े बड़े चैनल जी न्यूज आज तक बड़े चैनलों के साथ पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा माफ़ कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही छापो, वही बताओ, वही प्रचार में लाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार नहीं है, उसका मैं सबसे पहला प्रमाण बता दूं कि जिसके पास जनाधार होता वो इतना बड़ा अलायंस नहीं बनाता। भारतीय जनता पार्टी का अगर बात तो सही है, तो जनता में बेस होता तो उनको संजय निशा से अलायंस करने की क्या जरूरत है, अनुप्रिया से करने की क्या जरूरत है, जदयू से करने की क्या जरूरत है, ओम प्रकाश राजभर जैसे से अलायंस करने की क्या जरूरत है, अल्लू पंजू ये चल जाए उसके साथ वो अलायंस करने के लिए तैयार है। और वो नहीं, इतना नहीं, आप देखिए सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का बेस नहीं है, जनता उसके साथ नहीं है। ये पूरे देश में महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा और उसमें दो गुट एक गुट के अपने साथ मिलाया, और उसी तरीके झारखंड में प्रयास, उसी तरीके का बिहार में प्रयास, उसी तरीके यूपी में प्रयास। आप ये बताइए कि आपके साथ जनता है तो आप तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि ईमानदार और बेईमान का सबसे बड़ा सबूत क्या है? बेईमान को अगर किसी व्यक्ति को बेईमानी करने का मौका दे दिया जाए, वो बेईमानी न करे तो उसे कहा जाता है ईमानदार। अगर ईडी सीबीआई का उपयोग सिर्फ विपक्ष के लोगों पर किया जा रहा है, इसका मतलब आप अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, लोकसभा चुनाव में कोई भविष्य दिखता उनको? देखिए, मायावती एक बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये नीति चल रही है इस दौर में जहां ईवीएम का हवाला दिया जा रहा है, अभी सारे नेताओं का, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हों, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, हर लोगों का एक निशाना है कि ईवीएम के वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन क्या लगता है आपको, बसपा कुछ कर पाएगी लोकसभा चुनाव में अकेले? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कहा कि आज भी उनके पास जनाधार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति में
अकेले कोई भी दल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आखिर वो अकेले क्यों आना चाह रही हैं, क्या वजह? अब ये तो भाई देखिए, ये तो बसपा के लोग बताएंगे कि क्यों अकेले आना चाह। मैंने इस कहा कि इन्हीं साली कारणों की वजह, यही जो नीति चले इसकी वजह से देश की गरीब जनता पीसी जा रही है। एक बार नारा लगा था कि खा गया राशन, पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। मोदी ने लगातार गरीबों पे हमले बोल रहा है। मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीबों के से सामने से जो थाली है, थाली से दाल छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं विपक्ष है। ये विपक्ष तो इनका ये कहना है। ये बताइए कि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कुछ लग रहा है उनका भविष्य लोकसभा में? देखिए, अब उनके भविष्य के बारे में हम क्या बताएं। उनका भविष्य जो उनका आज तक राजनीतिक या जो सिद्धांत रहा उनकी पार्टी का, उससे शायद वो भटक करके कहीं बैठी हुई हैं, किसी महल में कहा जाए या किसी सुख सुविधा को अब भोग रही हैं। समाज में ना निकलना या अपने ही जो विचारधारा था उस विचार को ले करके समाज में प्रस्तुत करना, जिस तरह से संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जिस तरह से दलितों के ऊपर, पिछड़ों अति पिछड़ों के ऊपर हो रहा है, वो ना निकलना ये क्या दर्शाता है कि वो अभी लग रहा है इस जीवन का जो मायावी सुख है उसको वो भोग चुकी हैं और भोग रही हैं। राजनीतिक भविष्य के लिए व्यक्ति संघर्ष से ज़्यादा, राजनीति शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है लेकिन उसका ठीक दुष्प्रचार करके आज समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं तो मायावती क्यों ऐसा सोच रही है? वो किसी के संग गठबंधन भी नहीं किए हैं, उनके दिमाग में क्या है कि वो ये दिमाग में आप देख रहे हैं आज ट्विटर को जो एक्स कहा गया है उसके ऊपर उसका जो मेन प्रबंधक, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो इनके पीछे ईडी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, सबसे बड़ा कारण ये है हमें जो लगता है ईडी और सीबीआई, क्योंकि संपत्ति का मामला आ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की ये नीत है कि सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, वो भय दिखा करके ये काम करना चाह रही थी। ये उनके राजनीति का सवाल आज के परिवेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं, तोड़ मड़ोर के केवल सत्ता की भूख, जैसे एक जंगल का शेर भी भूखा हो या ये व्यक्ति भूखा हो, वैसे जैसे सत्ता की भूख आ गई है कि हमको सत्ता चाहिए हर हाल में, चाहे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव पूरे विश्व में भारत की गरिमा को तार तार करे, ये सवाल नहीं है। अब ये नहीं दिखाई दे रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक कोई महिला से मिलने जाएंगे पश्चिम बंगाल लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, ये भी एक सवाल आ रहा है। तो देश की स्थिति परिस्थिति बहुत दुखदाई है। आप जैसे पत्रकार को मैं देश का सबसे बड़ा पत्रकार मानता हूँ, इसलिए चापलूसी नहीं, इसलिए आपकी आवाज़ शायद मैं जो बोल रहा हूँ जितनी भी इसका दायरा है वहाँ तक ईमानदारी से जाएगा, और जो बड़ा है उसका दायरा इतना है कि जो एक व्यक्ति जहाँ तक चाहेगा, एक सोच या एक पार्टी, वहीं तक उसको तोड़ मड़ोड़ के पहुँचाया जाएगा। तो दोनों में फर्क है, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। अच्छा, फिर से फाइनल एक लाइन में क्या लग रहा है, मायावती जी लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है लोग कहते हैं कि आचार संहिता लग जाए तो डर भय कुछ खत्म हो जाए तो इंडिया में आ जाएं। मायावती अकेले लड़ रही हूँ, वो अकेले ही लड़ेंगे, वो किसी के साथ नहीं, वो जा करके देख चुकी हैं कि जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया उनका वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जो जिनसे गठबंधन करते उनका वोट नहीं उनके प्रत्याशी को ट्रांसफ़र होता है, इसलिए वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। करना का कॉन्फिडेंस है वो सामने आएगा कुछ? हाँ आएगा, लेकिन कोई खास नहीं, चूँकि इन लोगों ने जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ी उसी समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाए। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये रही, जितनी भी पार्टियां रही जैसे जाए पिछड़े के लिए, पिछड़ी समाज के लिए लड़े, तो सिर्फ एक जात का वर्चस्व
पिछड़ी में 2500 जातियां हैं, उनको आपने कभी भागीदारी नहीं दी, उनको आपने, अब आप भी देख लीजिए बसपा में क्या लग रहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कायम रहेगा क्या, लगता है कुछ सीटें आएंगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कुछ थोड़ा बड़ा वो उनका करेंगे, लेकिन वो लड़ाई में कहीं बसपा नहीं रहेगी, चूँकि बसपा की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है अनुसूचित जात में, समझ चुके हो, और वो अब वो वोट नहीं करेंगे, उनको एक बिरादरी जैसे जाटो वोट है वो वोट तो मुस्त करेगा, लेकिन अन्य बिरादरी पारसी हैं, अन्य बिरादरी हैं जो वो छिटक गया, जो कि पहले जो इनके साथ प्रभाव जिस हिसाब से दलित वर्ग जुड़ा था उसके हित की बात हो नहीं पाई, वो समझ करके इसीलिए वो अलग अलग पार्टियों में भाग गया इनका वोट, नहीं तो ये स्थिति बसपा की, बसपा बहुत बढ़िया स्थिति में चली थी, लेकिन कुछ इनके ही कार्यकर्ता जो रहे, जो इनके ही मंत्री रहे, उन लोगों ने उसको समाप्त कर दिया, और वो चीज़ अब खुल करके ये आ गई, और थोड़ी बड़ी रही कसर बहन जी ने जो आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूँकि बसपा में कैडर के कुत्ते जो बेचारे काम किए हैं, पूरी जिंदगी खपा दिए, तो उनको तो भी कहीं समायोजित करोगे? मायावती जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, और चुप है, शांत है, तो उसका आप ही लोग समझ सकते हैं कि वो क्यों चुप है। कॉन्फिडेंस तो है उनके अंदर, उन्होंने कहा वो अकेले आएंगी चुनाव में, किसी गठबंधन के संग नहीं है वो, तो क्या लग रहा है? देखिए जिन्हें अकेले चलना है, अकेले लड़ना है, उनकी रणनीति वो जाने, लेकिन हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन पर लड़ेंगे, जोड़ तोड़ से लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको, बसपा का कुछ हो पाएगा? नहीं, लगता नहीं है, उन्हें अगर किसी के साथ हो जाती तो शायद उनके 4-6 सीट निकल आती, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्थिति नहीं है पहले वाली जैसी स्थिति नहीं है कि अपने लड़के और अपने बलबूते जो है 10 MP 5 MP वो बना लें, इस समय उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा दिक्कत में है, और जनता का उनसे विश्वास उठता जा रहा है। अब जो है इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी और भाजपा दो ही पार्टियों के आमने सामने टक्कर होने जा रही है, और उसमें कांग्रेस का जो है, जो कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, तो इससे और मजबूती प्रदान हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आ गया कि मैं अकेले हूं? कॉन्फिडेंस नहीं है ये, हाँ। ये कहीं से रिमोट कंट्रोल द्वारा कहवाया जा रहा है, कहवाया जा रहा है कि आप ये बोलिए, चूंकि ईडी और सीबीआई का दबाव इतना ज्यादा है कि ये लोग न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, इन लोगों को तो जो अगर ईडी और सीबीआई कह रही है या जो आरोप लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो यह इनको वापस कर देना चाहिए सरकार को, और समाज के लिए काम करना चाहिए, बीच में आके समाज के लिए, जैसे पहले सुश्री जयललिता जी ने सारा जो है धन अपना वापस कर दिया था, और उसके बाद चुनाव लड़ी और वहाँ से उनका करुणानिधि जी को हटाकर मुख्यमंत्री बनी, उसी तरह से इन लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमारी जाँच करा लीजिए, जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार को जो है समर्पित कर दें, वापस कर दें, और समाज के लिए जो है काम करें, जनता के लिए काम करें, देखिए लोग चुनाव जीतेंगे। तो देखा आपने लोगों ने क्या कहा, मैंने किसी से कुछ बुलवाया नहीं, लोगों ने खुद बोला है, आखिर लोग क्या सोचते हैं? इसमें सभी दल के लोग थे, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि कोई एक दल के लोग थे, सभी लोग थे, आम इंसान भी थे, राजनीतिक दल से भी थे, सबका ये कहना है। आपका क्या सोच है, आपका क्या कहना है, आप लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।